के कुछ हिस्सों में हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और चना उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है और इसका असर इन फसलों पर पड़ा है। उद्योग और सरकारी सूत्रों का अनुमान है कि उत्पादकता प्रभावित होने के साथ साथ फसलों की कटाई में देरी हो सकती है। वहीं गेहूं उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रतिकूल मौसम, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस साल भी गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है और सरकार की गेहूं स्टॉक बढ़ाने की मंशा भी विफल होने की संभावना है। दरअसल देश में पिछले दो सीजन से गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। 2022 और 23 सीजन में भी गर्मी बढ़ने के कारण उत्पादन कम हो गया था, जिसके चलते भारत का गेहूं भंडार कम हो गया। इसीलिए इस साल का गेहूं उत्पादन सीजन भारत के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण है, लेकिन इस साल भी लगातार तीसरे सीजन में गेहूं उत्पादन को लेकर चिंता बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जानकारों की माने तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश को भविष्य में गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार तीसरे साल गेहूं के उत्पादन में गिरावट की संभावना है। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सरकार इसे तुरंत स्वीकार नहीं करेगी। उधर प्रमुख उत्पादक राज्यों से खबर आ रही है कि गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन के व्यापारियों का कहना है कि उत्तर में पंजाब और हरियाणा के साथ साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया था कि देश में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 1.3% बढ़ सकता है, लेकिन कारोबारियों के मुताबिक उत्पादन सरकार के अनुमान से काफी कम रहेगा। वहीं मुंबई के कारोबारियों का कहना है कि सिर्फ एक सप्ताह के प्रतिकूल मौसम से गेहूं के उत्पादन में 20 से 30 लाख टन की कमी आ सकती है। दरअसल मार्च के महीने में भी गर्मी अधिक रहने की उम्मीद है और इसका फसल पर कितना असर पड़ेगा यह अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन में आने वाले समय में कमी आ सकती है और हो सकता है कि भारत को बाहर से गेहूं का आयात करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।